नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और बहुत ही स्वागत करती हूं आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। कोरोना वायरस की महामारी बीमारी को लेकर शहर के हर व्यक्ति में एक अजीब सा डर पैदा हो गया है। आपको बता दें कि मामूली सर्दी जुकाम भी अगर किसी को होता है तो ज्यादातर सभी को ऐसा प्रतीत होता है कि वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसी असमंजस को दूर करने के लिए आज हमारी टीम सूरत के खानकाह रब्बानी ग्रुप द्वारा अपॉइंट किए गए होम्योपैथिक डॉक्टर से मिली। चलिए जानते हैं खानकाह रब्बानी ग्रुप की कामगिरी और जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर अयाज घोगारी का रिव्यू। एक तरफ कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी बीमारी ने पूरे देश दुनिया में अपना प्रकोप फैलाया है। इस भयानक बीमारी ने हर इंसान की सोच समझ को हिलाकर रख दिया है। देश के हर राज्य शहर में बसे लोगों में इस भयानक बीमारी को लेकर डर व्याप्त हो गया है। और दूसरी ओर देखा जाए तो सूरत में खानकाह रब्बानी ग्रुप की ओर से एक के बाद एक बड़ी ही सराहनीय कामगिरी की जा रही है। आपको बता दें कि पहले तो कोरोना काल के दौरान इस वैश्विक महामारी बीमारी के प्रकोप से जूझ रहे गरीब और श्रमिक लोगों को पड़ रही जीवन जरूरी चीज वस्तुओं की कमी, जैसे कि अनाज किट और सब्जी भाजी जैसी अनेक जीवन जरूरी चीज वस्तुओं का वितरण सूरत में जरूरतमंद गरीब और श्रमिक लोगों को खानकाह रब्बानी ग्रुप के सदस्यों द्वारा किया गया। आपको बताते चले कि पहले तो सूरत के स्लम विस्तारों में खानकाह रब्बानी ग्रुप द्वारा इस तरह की सराहनीय कामगिरी की गई और दूसरी बारी में इस ग्रुप द्वारा इस भयानक बीमारी से लड़ने की शक्ति यानी कि हर व्यक्ति में बसी इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए शहर की गली मोहल्लों में जाकर सभी को इन दवाओं का वितरण किया जाता है। आपको बता दें कि खानकाह रब्बानी की ओर से शहर के कोने कोने में बसे लोगों को अब तक 800 जितनी दवाइयों की बोतलों का वितरण किया जा चुका है। दवाओं का नियमित सेवन करने की वजह से शहर के लोगों में बसी रोग प्रतिकारक शक्ति और इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और कोरोना वायरस की महामारी बीमारी का जमकर सामना करेगी, जिससे शहर का हर व्यक्ति इस भयानक बीमारी की चपेट में आने और इस जानलेवा बीमारी का शिकार होने से बचेगा। जानिए हमारी रिपोर्ट में एक जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर अयाज घोगारी से हमारी बातचीत में। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज सूरत। अयाज घोगारी। और आपकी पोस्ट? मैं एमडी होम्योपैथ हूँ, होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ। सलावतपुरी के अंदर केडी केरन की क्लिनिक नाम से मेरी क्लिनिक चल रही है। अलहमदुल्ला वहाँ पे होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ। और मतलब मैं किस तरह का आयोजन किया गया, अपने प्रोग्राम क्या किया? जैसे आयुष मंत्रालय द्वारा हम लोगों को कहने में आया था कि आर्सेनिक अल्प नाम की मेडिसिन, कई जगह पे कैम्फोन नाम की मेडिसिन, वो मेडिसिन इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए मदद रूप है होम्योपैथी के अंदर। आज कोरोना के सामने कोरोना के लक्षणों से वही इंसान हारता है जिसकी इम्यूनिटी सप्रेस हो गई होती है, इम्यूनिटी डाउन होती है। जैसे हमने सुना है कि कोरोना उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है जिनकी उम्र ज़्यादा है, या तो उन लोगों को कि जिनके सांस की तकलीफ है, जिनको हृदय की तकलीफ है, जिनको किडनी की तकलीफ है, ये मेडिसिन वही काम करती है कि उनकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा देती है, जिसके कारण से इम्यूनिटी बढ़ने के कारण से वायरस की बॉडी के ऊपर असर कम हो जाती है और आगे चल के नाबूद हो जाती है। और मतलब देखा जाए तो कि नॉर्मली जो सर्दी खांसी अभी लोगों को हो रही है और उसमें भी लोगों को कोरोना वायरस का ही डर पैदा हो गया है, तो मतलब इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है जिससे लोगों को घबराना चाहिए? पहली बात तो एक बात है कि लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ थोड़े भी सिम्टम है तो आपको नजदीक के डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नजदीक के डॉक्टर नहीं है तो पहले तो आपको डर निकाल देना है कि थोड़ी भी सर्दी खांसी होगी तो गवर्नमेंट के लोग आपको कोरोना में डाल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बहुत ही सच्ची टेस्ट है। जैसे आपकी बॉडी में मलेरिया अगर है तो वो लोग डिक्लेयर करते हैं लेबोरेटरी के अंदर कि मलेरिया आया है, इसी तरह से अगर कोरोना है बॉडी के अंदर तो डिक्लेयर होगा कोरोना है, अगर नहीं है तो डेफिनेटली नहीं देने वाले। साथ ही सर्दी खांसी होती है तो एक दो दिन घर पर ही ट्रायल लीजिए। आप घर में रह के दादी माँ का वेदू जिसको बोल सकते हैं, गर्म पानी पीना, गर्म पानी के कुल्ले करना, हल्दी वाला दूध वगैरह पीने के लिए रखिए, होम्योपैथी मेडिसिन को ट्राई कीजिए और जितना बने इतना सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए तो डेफिनेटली आपकी प्राइमरी का बेसिक कंप्लेंट है तो शुरुआत में सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आप तुरंत ना तुरंत घर के नजदीक के डॉक्टर से रब्ता कीजिए। और अगर थोड़ा भी डाउट लगता है उनको कि भाई ये कोरोना के लक्षण में तब्दील हो सकते हैं और वो लोग अगर आपको गवर्नमेंट के लोगों पास या सिविल में या फीमेल में या जहाँ पे भी कोविड ओपीडीज चलती है वहाँ पे अगर रिफर करते हैं
तो बिना कोई भी संकोच के आप लोग वहाँ पे जाइए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, उन लोग आपके ही लिए बैठे हुए हैं, तो आपके लिए जो भी राइट होगा वही करेंगे। और मतलब अब तक कितनी दवाओं का आपके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? HAMI होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसका एक यूनिट है सूरत यूनिट, तो सूरत यूनिट ने तकरीबन 1.25 लाख के अनकरीबन डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। उसका एक और यूनिट है सूरत सेंट्रल यूनिट, जिसका मैं भी एक सभी हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। उस यूनिट ने अभी तक अप्रोक्सीमेटली 20,000 से 25,000 के आसपास बोटलों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। यहीं पे मोहल्ले के आजू बाजू, बेगमपुरा, सलाबतपुरा, वाणिया शेरी के आजू बाजू जितने भी मतलब बड़े मोतबर इंसान हैं उनके साथ मिलकर अभी तक हम अप्रोक्सीमेट 7,000 से 8,000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे। और मतलब जो पॉजिटिव मरीज अगर आते हैं तो उनके डाइट प्लान के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि उनको कैसा डाइट प्लान? जैसे पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं तो उनका डाइट प्लान गवर्नमेंट के अंदर पहले से ही नक्की किया हुआ है, उनको उसी डाइट के हिसाब से डाइट देने में आ रहा है जो एडमिट है उनको। पर उनके कॉन्टेक्ट में आने वाले जो भी बंदे हैं, जैसे संक्रमित लोग जिनको कहा जाता है, जैसे मुझे कोरोना पॉजिटिव है और मेरे साथ टच में आए हुए जैसे 100-150 जन है, उन लोगों को आइसोलेट किया जाता है, किनको घर आइसोलेट किया जाता है, किनको आइसोलेशन सेंटर में लेके जाया जाता है। तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि विटामिन सी बॉडी के अंदर फुल इनफ अमाउंट में रहे ऐसा लेना है, जैसे नींबू आंवले वगैरह लेना है, ठीक है। उनको खाने पीने में पूरा परहेज रखना है, पूरा ध्यान रखना है, बाहर आइसक्रीम वगैरह ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है, गर्म पानी का पूरे प्रमाण में सेवन करना है कि जिसके कारण से उनकी हेल्थ को कोई भी तकलीफ ना हो। और मतलब किन किन चीज़ों से इस बीमारी से बचा जा सकता है? किन किन चीज़ों से बचने की तो कोई संभावना नहीं है, पर अगर आप लोग सोशल डिस्टेंसिस मेंटेन करते हैं, आप खुद अपने आप को जिम्मेदारी से प्रवक्त करेंगे, अगर अपने आप खुद को जिम्मेदार नागरिक समझ के घर में ही रहेंगे, लोगों से ज़्यादा रابطہ नहीं रखेंगे, घर में जैसे ही मानो कहीं बाहर से सब्जी, जैसे अभी कर्फ्यू चल रहा है इस एरिया के अंदर और बहुत सी फीमेल दोपहर को 1 से 4 के अंदर मानो कुछ खरीदी वगैरह करने जाते हैं, तो वो हर फीमेल से मेरा अनुरोध है कि आप जैसे ही खरीदी करके वापस आते हैं तुरंत आप नहाने के लिए आवन रखिए। इससे बेनिफिट वो रहेगा आपको कि आप जो भी बाहर से एक्सपोजर लेके आए होंगे वो सब क्लीन हो जाएगा और वो आपके लिए आपकी फैमिली के लिए बेटर रहेगा। और बतौर एक होम्योपैथिक डॉक्टर और एक जागरूक नागरिक के प्रति आप हमारी चैनल के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो देशवासी आपको देख रहे हैं, बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा। अभी तक लोगों को एक डाउट है कि होम्योपैथी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा, होम्योपैथी मेडिसिन वेल प्रोन होती है हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे। होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने की पूरी क्षमता, पूरी पूरी ताकत है। एक दो दिन में किसी की भी इम्यूनिटी को बूस्टअप किया जा सकता है, पर उसके साथ साथ व्यक्ति की आंतरिक इम्यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहिए, अच्छा खाना खाइए, विटामिन सी पूरे प्रमाण में लीजिए, गर्मी बढ़ रही है, पानी का फुल सोर्स रखिए अपने, जिससे डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो, ठीक है। और अपने पैरामीटर्स को हमेशा संभाल के रखिए और लोगों से दूरी बनाए रखिए, सेफ रहिए, घर में रहिए।